जय श्री कृष्णा। अब हम बात करेंगे मूलांक नौ वाले जातक की। मूलांक नौ वाले जातक, इनका स्वामी जो होता है वो मंगल होता है। क्रोधी स्वभाव के देखे गए हैं और गुस्सा आता है, तो इन लोगों की को ध्यान रखना चाहिए कि वो हमेशा अपनी इस एनर्जी को, ये एनर्जी है तो इसको बैलेंस रखें। और बैलेंस रखने के लिए इनको हमेशा, जब भी इनको क्रोध आए तो इनको हमेशा ध्यान रखना है कि एक चांदी के ग्लास में पानी जरूर पिए। इनके पास में जब भी आप रखते हो, नव मूलांक वाले जो भी जातक अगर इसे देख रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा चांदी के ग्लास में पानी पिए। और उससे मन में जो क्रोध की जगह शीतलता थोड़ी बढ़ेगी, ठंडक थोड़ी बढ़ेगी। और 20 मतलब अपन मान के चले 16 साल की आयु से लगा के और करीब 24-25 साल तक तो इनका क्रोध बहुत हाईएस्ट पे ही होता है, बहुत ज़्यादा। मतलब बिना सोचे समझे डिसीजन लेते हैं, बिना सोचे समझे काम करते हैं और गुस्से में किसी के साथ कोई भी व्यवहार ये करते हैं, दुर्व्यवहार ही बोलेंगे उसको। तो उस चीज़ पे इनको, अगर है इस एज के कोई लोग इस चीज़ को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उस टाइम पे उनको लगेगा वो कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मंगल इतना प्रभावी रहता है। तो इसलिए उनको हमेशा एक चांदी के ग्लास में जब भी गुस्सा आए तब वो तुरंत पानी पी लें। उसके बाद में नौ नंबर वाले लोगों की बहुत अच्छी चीज़ रहती है कि बहुत ऊर्जावान होते हैं और हमेशा किसी भी काम को करने के लिए तैयार होते हैं। किसी समस्या का जीवन में सामना करने से हिचकते नहीं, पीछे नहीं पलटते, हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखते हैं। लेकिन इनका, और नीडर होते हैं, बहुत ज़्यादा नीडर होते हैं। तो क्या होता है कि सामने वालों को हमेशा नौ नंबर वालों से थोड़ा सा डर के ही रहना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो कोई भी अगर आपका, क्योंकि किसी का आधिपत्य स्वीकार नहीं करेंगे अपने ऊपर। आठ मूलांक वाले और नौ मूलांक वाले ये अपने ऊपर किसी का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते। किसी के अंडर में रहकर काम करना इनको पसंद नहीं होता है, लेकिन करना पड़ता है। लेकिन उस किसी भी तरह का समझौता करने में ये थोड़ा सा विश्वास नहीं करते और निडर होते हैं। इसी वजह से आप देखो पुलिस विभाग में भी देखे जाएंगे ये लोग, इन लोगों को उसमें भी देखा जाएगा। और अब अपन देखेंगे कि अगर नौ नंबर की यात्रा देखेंगे मूलांक के हिसाब से, तो सबसे लास्ट, सबसे आखिरी नंबर है नौ मूलांक। तो ये आपको कोशिश करना चाहिए कि इस टाइम पे, इस नंबर में अगर आपका जन्म हुआ है, इस तारीख में आपका अगर जन्म हुआ है, तो आपको कोशिश करना चाहिए जितना आप दान पुण्य अपना जिसके लिए कर सको, आप परमार्थ जिसको बोलते हैं कर सको, किसी के लिए सब कुछ अच्छा कर सको, अपने गुरु को कितना आप स्ट्रांग कर सकते हो। हर नंबर वालों को गुरु का जरूर ध्यान रखना है, अपने गुरु और सूर्य को बहुत स्ट्रांग रखना है, तो उनको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। इनको वाणी के ऊपर अपने बहुत संयम रखना चाहिए, क्योंकि वाणी थोड़ा सा कड़वी होती है, तीखा बोलते हैं और तीखा बोलने से फिर अपने गुप्त शत्रु बना रहते हैं। वैसे गुप्त शत्रु इनके सामने टिकते नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी, कुछ प्रभाव उन चीज़ों का इनके ऊपर आता है, तो उस पर इनको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में नौ नंबर वालों को ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, और पाइल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम का ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनको, क्योंकि कभी ना कभी उन लोगों के साथ ये समस्या आ सकती कि उनको पाइल्स हो, तो पाइल्स का प्रॉब्लम जब रहे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अपने नौ नंबर वालों को अपने पेट का बहुत ध्यान रखना, भोजन का बहुत ध्यान रखना है और गरिष्ठ पदार्थों से इनको बचना चाहिए। और वैसे अगर फिजिकली देखें तो एकदम फिट होते हैं, क्योंकि मंगल का प्रधान, मंगल प्रधान नंबर है ये मूलांक है, तो इसका ध्यान, इनको एक चीज़ और करना है कि इनको हनुमान जी की बहुत आराधना करना है। हनुमान जी की बहुत आराधना, आप जैसे मैं बोलती हूँ किसी की आराधना करना है, तो जरूरी नहीं कि आप मंदिर गए हो, मंदिर में आप सामने बैठे हो, लेकिन एक आपका दिमाग में एक बन जाता है पिक्चर कि अभी ये, अब क्या है कि अभी हम सोचते हैं कि हम हनुमान जी को पसंद करते हैं तो हम हनुमान जी की सेवा करेंगे, हम शिव जी को पसंद करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सारी शक्तियां हैं, इन्होंने आपको चूज़ कर, आप इनको चूज़ नहीं कर रहे हो, ये आपको चूज़ कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि आप इनकी तरफ जाओ, तो इसलिए आपको उस मूलांक में इन्होंने डाला है। तो अभी इस टाइम पर आपकी जो जर्नी है वो यही वाली है कि आपको किसके साथ कैसे चलना है, क्या ध्यान रखना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। तो वो जब हम करने में सक्षम नहीं होते या फिर हम कभी कोई गलत डिसीजन लेते हैं कुछ है, तो जब हम किसी एक ऐसे आराध्य के उसमें चले जाते हैं शरण में, तो हमारी बुद्धि सही काम करती है और वो हमको एक ऊपरी शक्ति है जो हमको सपोर्ट करती है उस चीज़ में कि हम सही डिसीजन लें, या हमारे जीवन में किसी तरह का कोई ऐसा संकट आया हो तो उसको कैसे निपटें, उसका समाधान वो ईश्वर आपको देता है।
अब आप देखो 9 नंबर में कि 9 मूलांक में जब अपन आगे जाएंगे तो देखेंगे 18 नंबर। तो 18 नंबर में आप देखो कि 1 नंबर हो गया सूर्य का, 8 नंबर हो गया शनि का। तो दोनों में आपस में वैचारिक मतभेद है सूर्य और शनि में, और मूलांक हो गया आपका 9। तो ये लोग थोड़े से कहीं ना कहीं इनके जीवन में संघर्ष ज़्यादा होता है और कुछ खींचतान ज़्यादा चलती है। तो इन लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान जी की आराधना करें। तो हनुमान जी की आराधना का देखो आप कि इनको क्यों करना है, क्योंकि शनि जो है उनको खुश करने के लिए भी हनुमान जी को प्रसन्न करना है और सूर्य के लिए भी, है ना। तो वो उसके लिए भी अगर ये कोशिश करें कि सूर्य भगवान के सामने खड़े होके और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो ये भी इनको बहुत जीवन में सफलता की तरफ लेके जाएगा और अनचाहे कष्टों से इनको मुक्ति दिलवाएगा। अब आप 18 नंबर के बाद अब हम जाएंगे तो आपका हो गया 27 नंबर। तो 27 नंबर में हम जब जाएंगे तो 2 नंबर जो है चंद्र का है और 7 केतु का है। तो चंद्र, केतु और मंगल, तो इसमें इनको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वैसे तो ये बहुत बैलेंस एनर्जी है लेकिन फिर भी ये अगर आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पावर अगर अपना बढ़ाते हैं इसमें तो, और शिव की आराधना अगर ये करते हैं तो इनके लिए अगर जो मैं आपको बोल रही हूँ 27 नंबर के लिए, तो अगर ये शिव की आराधना करते हैं और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाते हैं, मतलब इनको अपने जीवन का वैसे हर नंबर वालों को, हर मूलांक वालों को कम से कम ज़्यादा नहीं लेकिन 15 से 20 मिनट अपने आप को उस ईश्वर से, उस परम सत्ता से जोड़ने के लिए देना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो उनके ऊपर आप डाल दो, क्योंकि हर चीज़ हमारे बस में नहीं है और उसकी मर्जी के बिना पत्ता हिलता नहीं है। तो सारी चीज़ें हमको वैसी करनी है कि हमारे जो कर्म है वैसे, लेकिन छोड़ना सारा ईश्वर पे कि वो जिस तरफ पे आपको लेके चल रहा है वैसे आप चलते जाओ और ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, क्योंकि आपकी लास्ट वाली जर्नी है 9 नंबर की। तो जितनी आप जितना चाहते हो मुक्त होना इन सब चीज़ों से कि अब बाहर निकलना है इन सब, जितनी हम जर्नी को 1 से लेकर 9 तक आ गए हैं और चलते जा रहे हैं और बहुत कुछ देख चुके हैं इस पूरी 9 लाइफ में हम, तो अभी हमको अब जब सारी चीज़ों से मुक्त होना है तो अब हमको सब ईश्वर पर छोड़ देना है कि वो जिस तरफ पर लेके जाए, और अपने कर्मों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें क्योंकि भाग्य हमारे कर्मों से ही बनने वाला है। जय श्री कृष्ण।